अच्छा मैं दो लोगों को ऐड कर रही हूँ, हमारे दोनों मोमिनीन हैं, दोनों को मोमिनीन देखे आज। शाहिद जी पूरे स्टाइल ओहो, में आए हैं भैया। दीदी दी, पहने नहीं टोपी था आपने उतार दी, टोपी, आप टोपी टोपी से टोपी काम उतार दी किया आपने। म्यूट फारूक पे जी। मैं अच्छा फारूक की आवाज नहीं सही आ रही। मैं आवाज आ रही है, मेरी आवाज आवाज आ रही है, नहीं आ रही फारूक की नहीं आ रही सही, शाहिद की सही आ रही है। हाँ सही से? आ रही है जी, बोलू जी, शुरू जी, बोलें क्या कहना चाहिए, करूंगी। शुरू करें। हाँ जी, बिस्मिल्लाह कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। हाँ भाई यार, मुझे आपसे ना एक छोटी सी बात आपने भी समझानी है और ये महाली जी ने भी बतानी है। अच्छा, यार आप कितना पढ़े हुए हो? मैं बैचलर्स किया हुआ, मैंने इसको आप कह सकते हैं बैचलर्स सोलह की? जमाते, 16 जमाते पढ़े हैं। अच्छा जी, अच्छा जनाब, अच्छा जनाब। यार मुझे पता नहीं क्यों नहीं, जब आपकी बात ना कोई समझ नहीं आती यार। आप गालियां इतनी इतनी जल्दी, आप गालियों पर क्या आपके पास बातें खत्म हो जाती हैं तो गालियां निकाल देने शुरू कर देंगे। मैंने अरे कब मालिक गाली निकाली, कौन गाली देता है, मैंने मैं कहा देती गाली हूँ निकाली, गाली? मैंने आप इतने कहा गंदे गाली। गुफ्तगू करते हैं। मैं अभी अभी आपने ये जो कमेंट्स पर फतवा जारी किया है, कौन सा अभी तो बात ये वो जो जिसमें, अभी वो वो जिसमें, दूध दूध वाली बात हुई थी हाँ जिसकी, क्या उसमें, इसमें गालियां कौन सी उसके थी, अलावा उसके उसकी उसके गालियां कौन सी हट थी? कर भी, नहीं, उसके हट उससे हट कर भी ये आज की बात तो मैं कर ही नहीं रहा। अच्छा फिर मैं बताए कब मिलते हैं, करते आप हैं। पढ़े लिखे लोग हैं यार, इतने इतनी आपने तलीम हासिल की हुई है, क्या वो तलीम सारी जाया? नहीं क्या जाया होगी, मुझे बताया कहाँ मैंने किसी गालियां ने दी। मैं तो गालियां नहीं सिखाया? देता, किसी ने नहीं? भाई आप गाली नहीं मैं गालियां देते नहीं देता। नहीं यार हारस भाई, मैंने आपकी इतने प्रोग्राम देखे हुए हैं कि मैं अब आपको क्या, आपने मैं नहीं देखे, आपका मतलब मैं झूठ आपने, बोल रहा आप हूँ? जिसको, हाँ ऐसे कर आप लेते झूठ हैं, बोल रहे हैं, आप झूठ मैंने बोल रहे बड़े हैं, आप झूठ देखे बोल हैं। रहे हैं। आपके इंग्लिश के भी अच्छा प्रोग्राम देखे मैंने? या नहीं, मालिन, मुझे कंट्रोल आरिफ दे दो नहीं यार देखा, इसका, मैं झूठ या मुझे बोल इसका रहा कंट्रोल दे दो, आप झूठ बोल रहे हो, हूँ? मैं कैसे दूं आप कंट्रोल? झूठ बोल रहे हो। जिसको आप गालियां बोल रहे हो ना, जिसको आप गालियां बोल रहे हो, वो गालियां नहीं है, हम आपके ऊपर तंज करते हैं। मैंने कभी आपकी किसी की माँ बहन की गाली नहीं दी, मैंने कभी किसी को इस तरह की गाली नहीं दी, मैंने गालियां देता। ये आपने, पता नहीं आपने जी कोई को अपनी कोई बातें आप करके आ गए हैं, पता नहीं आप नहीं नहीं किसको नहीं नहीं कंफ्यूज नहीं कर नहीं रहे हैं नहीं मेरे नहीं साथ, नहीं मैं नहीं नहीं गालियां नहीं नहीं देता। शाहिद जी, मैं इसका वाउच करके कह रही हूँ, हारिस गाली नहीं देता, मैं देती हूँ गाली। मैं तो डंके की चोट भी देती हूँ। और देखिए कभी ठीक हो, कभार उनकी तो कुछ निकल भी जाते हैं ना, हमको नहीं तो मेरी कुछ कभी इस निकलता तरह की गाली नहीं नहीं निकली, है। नहीं कभी मेरी तुम्हारी कभी तरफ से वो, नहीं थी, मगर मेरी मेरी बात कभी वो सुनी गाली नहीं तो निकली। गालियां आई एम बड़ी परफेक्टली फाइन। हमारे मुंह से गाली क्यों निकली? हमें हजारों लोग आके गाली देते हैं, तो क्या हम क्या पुतले बैठे हुए यहाँ पर? हम सुनने के बैठे हुए सबकी, लेकिन हमारे को कौन, लाइक व्हाई शुड वी? अब और ये अगर जो ये हर किसी बर्दाश्त होती है, कभी कभार निकल जाती है मुंह से गाली। इसने मेरी हालांकि दी खामोश मेरी मेरी एक वो था मुल्ला मुनाफिक, मेरे ख्याल एक दफा, जो आज से 2.5 साल पहले की बात है, मुल्ला मुनाफिक उसने ड्रामेबाजी की थी, उसको एक दफा मैंने वो जी से वर्ड बोला था, जो गे जो होता है, पूरा नाम, पूरा मुल्ला नाम मुनाफिक, मुल्ला नहीं, मुनाफिक, पूरा पूरा नाम मुल्ला मुनाफिक, मैं कह रहा हूँ, पूरा नाम, पूरा नाम बताएं। उसका शायद नाम हो मुल्ला सकता है वो ही मुनाफिक था ना। देखी हो नहीं, उसका नाम सकता है मुल्ला वो मैंने मुनाफिक, देखी। मुबशर था मेरे ख्याल, मुबशर कादरी उसका नाम था, मुल्ला अच्छा मुनाफिक। मुबशर शाह साहब, ठीक हो गए। हाँ 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 मैं वो वही था जो बात मैंने कर रहा बोला हूँ, था। मैं वही बात, अच्छा उसी की बात, वही अच्छा बात, उसको, वही हाँ, बात। उसने उसने वो मेरे पहले, वो शुरू शुरू के दिनों की बात है, वो उधर से ही मेरा कौम से हाँ खिताब शुरू हुआ था, और वो बैठा रहा वहां पे, वो ड्रामा करके मुकर गया, एंड में ऑन टाइम जाके कहता मेरे चैनल पे आओ। मैंने कहा हमारी बात हो चुकी है, आपने मेरे चैनल पे आना था, वो कोई आधा घंटा वेट करता रहा, टाइम करता रहा, और फिर उसने चवलें मारी। तो वहां पे उस वक्त मैंने उसको सिर्फ एक दफा वो जी से वर्ड बोला था, और ये वो आदमी जो ये अक्सर इस तरह की जबान इस्तेमाल कर चुका हुआ, तो ऐसा जो बंदा हो, और वो एक ही दफा, आयदा आपको कोई मेरी उसके अलावा कोई गाली नहीं मिलेगी। ये जो आपने अभी जो बताई है ना, ये दूध वाली बात, ये तो मैं उसको जान के, ये तो उसी को मैं छेड़ा रहा था। अब ये जो, अब ये जो आते हैं, ये बड़े मजे से आके बात करके भाग जाते हैं, छुपके से पीछे शक्ल दिखा के कर रहे होते हैं, तो इनको, अब इनको थोड़ा सा मजा भी चिखाना होता है। मैं नहीं मेरे ख्याल मानता में ये नहीं, गाली, मगर कितना मेरे हम ख्याल लोग में गाली देखिए मैं बाद में शाहिद सुनूंगा। जी, शाहिद जी, हम लोग करें करें क्यों, हम लोगों को इतनी गालियां पड़ती हैं? हम लोग इंसान नहीं है क्या? हमारे मुंह से अगर कभी कुछ निकल जाए तो हम इंसान नहीं है क्या? मुझे आप खुद बताइए। शाह साहब, तो खुद मुझे, बिल्कुल मुझे पक्का यकीन है, बिल्कुल शाह साहब मुझे हारिस पक्का यकीन है भाई, कि, एक एक बारी एक बारी जुमला, एक बारी जुमला, बारी, एक जुमला, एक जुमला, एक जुमला, एक छोटा सा जुमला शाहिद भाई, मैं भूल मुझे जाऊंगा सारा कुछ नहीं, ही। आपको सब याद रहेगा, हम चुप करके सुनेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि
कि आप मुझे लग रहे हैं पंजाबी, मुझे पूरा यकीन है जब आप अपने यारों दोस्तों के साथ बैठते हैं खूब आप सारी पेलते हैं सारों की, मुझे पूरा यकीन है। आप अगर जी मुझे कहेंगे नहीं करता मैं मानूंगा ही नहीं ये। सर गुजरांवाला का हूं मैं। हाँ मुझे पूरा यकीन है गुजरांवाला की जबान का। और कमाल यही की चीज़ यहां पे एक मिनट फरूख भाई एक मिनट, और कमाल की बात सुने आप कि मैं मान लीज के स्ट्रीम में आ रहा हूँ, मैंने एक गाली का कभी सोचा भी नहीं, रास्ता मैं गुजरांवाले में हूँ, लेकिन ऐसी ऐसी गालियां निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं इस स्ट्रीम में किसी की स्ट्रीम में भी नहीं। मैं जो चीज मैं देखे मैं भी लौ रही हूँ मालीज, मुझे मालीज ने मुझे प्राइवेटली सुना हुआ है, हालांकि मालीज खातून है, प्राइवेटली मेरी मुझे डर लगता है मेरी प्राइवेट बातें ना निकला, मैं भी पक्का लौ रही हूँ। डरना चाहिए इन लोगों को, डरना चाहिए। मैंने कभी आपको गाली दी है शायद जी? नहीं 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 बिल्कुल नहीं। आप जो गाली दे रही हैं बस मुझे पाकिस्तान से। हाँ नहीं जो गाली दे रहा हूँ मुझे लगता है कि आपको देंगे नहीं। नहीं मुझे मैंने नहीं कभी पाकिस्तान से ना मुझे डिबोर्ड करा देना है। अच्छा फारूक जी आप क्या कहना चाहेंगे? फारूक जी को भी कभी गाली नहीं दी, मुझे जो गाली देते हैं उसी को गाली देती हूँ, बस असूल है मेरा। नहीं वैसे मैंने भी नहीं कभी सुना कि मालीज ने किसी को ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके गाली दी है किसी वजह से। अगर बातों बातों में अगर अगला गलत बोल रहा है तो उसका जवाब जरूर दिया है, डायरेक्ट किसी को गाली नहीं दी मालीज ने वैसे। अरे वो खान साहब आए थे वो कितना बुरा बुरा बोल रहे थे, मैंने उसमें आप करके बात की, गाली नहीं दी थी उनको। ये खामखाई में बोलते रहते हैं हिंदुओं को गाली दे दी, इसको गाली। हाँ मुझे किया करोगे तो मैं जवाब दूंगी उसका, मेरे से पंगा लूंगी। मैं एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा अभी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आप जी, लोगों को? जी, बोलिए। हाँ मैं ये करना चाहूंगा, जिस तरह अभी ये शाहिद साहब ने बात उठाई कि आप इतने पढ़े लिखे हैं आप गाली क्यों दे रहे हैं। देखें ये तो हो गई एक बात सिर्फ कि आप इतने पढ़े लिखे हैं आप गाली क्यों दे रहे हैं, फिर आप उसका हारिस भाई समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी कोई और वजह हो सकती है, कोई उसका तंजो मजा हो सकता है। लेकिन हमारे मुआशरे में एक चीज है कि 100 अच्छाइयां हो जाती है ना तो हम एक गलत चीज को इतना पकड़ते हैं और उछालते हैं कि वो जो अच्छाई है वो गुम हो जाती है और सबके सामने बुराई आ जाती है और बुराई यूं समझे जीत चुकी होती है उस वक्त तक, और लोग अच्छाई को बैकफुट पे लेके जा चुके होते हैं उस वक्त तक जब तक हम बुराई के पीछे भाग भाग के हर किसी को दिखा चुके होते हैं कि ये बुरा हो चुका है। हालांकि हमें पकड़ना चाहिए अच्छाई को और ऊपर लेके जाना चाहिए, बुराई को लिफ्ट ही ना करवाएं, खुद ब खुद ही माहौल ठीक होने लग जाएगा। लेकिन हमारा एक मसला ये है कि हम 100 अच्छी चीजें हो रही हैं रूटीन में, लेकिन एक ऐसी चीज पकड़ लेंगे गलत चीज और उसको इतना उछालेंगे कि सारी दुनिया के सामने आ जाएगी वो चीज और अच्छाई गुम हो जाएगी और बुराई फ्रंट पे रहेगी। देखें ये बड़ा मसला है। नहीं लेकिन ये देखें ये पूरी दुनिया में ऐसे ही होता कि जो आपको जिस बंदे की कोई अगर बात ना बुरी लग रही हो आप तो पाउंस करेंगे ना उस पे, जो आपको ऐसा उनकी वीक चीज मिलती है जहां पे उनकी कोई गलती निकल आती है। अगर आपको कोई पता चल जाए कि मेरी कोई नंगी तस्वीर किसी के हाथ में लग गई तो आपको क्या लगता है लोग उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे? तो ये तो इसीलिए ये लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खुद होती है कि आप अपने आप को इतना कंट्रोल में रखें कि अपने दुश्मनों लेकिन नहीं लेकिन कभी कभी फिसल भी सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना मुल्ला मुनाफिक यार, बारी बारी क्या मुल्ला मुनाफिक कर लो यार, सैकड़ों घंटों की वीडियोस पड़ी हैं आपको कभी गालियां नहीं मिलेंगी। अच्छा मैं एक पॉइंट दे रही हूँ शाहिद जी आप बोलिएगा, गाली का और एजुकेशन का ना कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने यहाँ पर लॉयर्स को भी गालियां देते हुए सुनी है, मैंने डॉक्टर्स को भी गालियां देते हुए सुनी है, स्टॉक मार्केट में ये लोग जब कर रहे होते हैं वहां पर कैसी दबा के गालियां। मालीज मेरी स्क्रीन शेयर करें, मेरी स्क्रीन शेयर करें आप, दो सेकंडों में आती। अच्छा ये और आपको ये जो आपने एजुकेशन का जो बात दिया ना, देखें जो गालियां देने का जो स्टाइल होता है ना ये उसका मैंने आपको जिस तरह बताया ना प्राइवेटली, आप अगर मुझे सुने आपके वो कौन है, और ये और हर जगह का अपना एक माहौल होता है, एक डेकोरम होता है, उसके हिसाब से लोग बात करते हैं। ये स्टडी बड़ी मशहूर है, इसको अगर मालीज शेयर करें तो मैं आपको बताऊं, एजुकेटेड लोग जो स्मार्टर लोग जो ज्यादा होते हैं ना वो ज्यादा गालियां देते हैं,
ये इसके ऊपर स्टडी हुई थी, ये माली पता नहीं शेयर करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, गाली ये जो गाली होती है ना, गाली गाली का जो मैं समझता हूँ ना, मैं आज तक गाली पे कभी गुस्से नहीं हुआ, क्योंकि मैं पता है जाती तौर पर समझता हूँ गाली किसी भी इंसान के प्रोसेसर का हीट सिंकर है। किसी का प्रोसेसर जल्दी हीट हो जाता है, किसी का टाइम लेता है। तो ये एक जिस तरह वो प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए ऊपर को हीट वाला फैन लगा होता है ना कंट्रोल करने वाला, गाली ये चीज है। वो जितनी गाली देगा इसका मतलब वो हीट अप हो गया, ठीक ठाक हीट अप हो गया बस। ये नहीं मेरे लेकिन कई शुगल में नहीं, लेकिन कई जो माहौल में भी शुगल में भी दोस्तों यारों दोस्तों हाँ ये तो ट्रोल कर रही थी ना, यारों दोस्तों में भी जो काम चल रहा होता। ये एक स्टडी थी, इंडिपेंडेंट ने इसको छापा है, यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर के 1000 लोगों को उन्होंने किया, 400 टिपिकल बिहेवियर डिस्कवर्ड, स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन लाइक बिटवीन इंटेलिजेंस एंड स्वेयरिंग। तो ये और इसके ऊपर और भी बहुत स्टडीज हुई हैं, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वो डेकोरम होता कि आप कहीं पे आप बैठे में अगर मैं मलका के सामने चला जाऊं तो मलका के सामने एफएफ करने बोलने लग जाऊं, तो दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट। लेकिन अगर मैं अपने यारों दोस्तों को, देयर इज अ प्लेस एंड टाइम फॉर एवरीथिंग। और अगर आप कॉमेडियंस को उठाओ, जितने कॉमेडियंस को आप उठाओगे वो दबा के गालियां दे रहे होते हैं, क्योंकि लगा देते हैं। वो शगल होता ना, वो एक गुस्से वाली गाली होती है, मे बी दैट माइट हैव समथिंग डिफरेंट कि आप गुस्से में आ गए हैं, लेकिन एक जो ट्रोल करने के लिए होती है वो मुझे, ओ भैया मुझे माफी मिल सकती है, मुझे माफ कर दिया जाए, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दें। एक बात की है मैंने, आप सुनो भाई जान, आप कह दे मैंने नहीं की तो मैं मान लूंगा। आपको साइंटिफिक नहीं, एक सेकंड मान लीजिए, एक सेकंड देखें, ऐसे नहीं होता, ये फफे घुटनियों वाले स्टाइल नहीं होते कि माफ कर दे मुझे, ऐसे नहीं है। आपने जो बात की है मैंने आपको उसका एक रेफरेंस दिया, मैं आपको साइंटिफिक स्टडी की बात कर रहा हूँ। आप या तो आप हमारे साथ, अगर आप मेरे से प्राइवेटली बात कर रहे हो ना तो हम जरा थोड़ा और फ्रेंक होकर बात करें। आप यहाँ पे आ रहे हैं, इसको लोग देख रहे हैं, आप एक मसला रख रहे हैं, आप उस मसले का हाल में आपको बता रहा हूँ भाई जान। मैंने ये बात की इसीलिए थी कि यार आप जो बैठते हैं आपको बड़े लोग सुनते हैं देखते हैं, मेरा मौका ये है कि आप मतलब के यानी कि मैंने वो पढ़े लिखे, कोई आपकी कोई इंसल्ट नहीं मैं कर रहा था, ना कोई मैं तंजिया गुफ्तगू कर रहा था, हमने ली भी नहीं है, हमने इंसल्ट समझी भी नहीं। बात सिर्फ इतनी सी थी कि आपको लोग देखते हैं सुनते हैं, तो मैंने उस वे में बात की थी कि यार आप अच्छे नहीं लगते। मैंने मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अच्छे नहीं लगते। अगर मैं कॉमेडी अगर मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हर चीज का डेकोरम होता है। जो कॉमेडियंस जो होते हैं, जो फिल्में बनाई जाती हैं, जो और जिस फॉर्मेट में माली शो करती है उसमें वो हर चीज जचती है, उसमें वो सही है। वो मैं जिस स्टाइल में बात करता हूँ उसमें बेशक उसका भी मैं स्टाइल बदल सकता हूँ अगर मैं बदलने पर आऊँ, लेकिन वो ठीक है, मैं उस पर नहीं करता, क्योंकि जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ, मैं थोड़ी कॉमेडिक बातें करता हूँ, मैं तंजिया बातें बड़ी करता हूँ, अब मैं डिंग डोंग के ऊपर बात कर देता हूँ। और अगर कोई हदीस पढ़ता हूँ, उसके अंदर कोई डिंग डोंग का हवाला है तो मैं उसको डिंग डोंग के हवाले से कहता हूँ, मुबाशरत नहीं बोलता, मुझे तो मुबाशरत बोलते हुए शर्म आती है कि ये क्या लिखा हुआ हदीस। सो चले ठीक है, आगे बढ़ आप। अच्छा वैसे एक चीज है, इस प्रोग्राम को ना काफी लोग देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को बल्कि दिन ब दिन मैं देख रहा हूँ कि फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्यों ना इस चीज का आप लोगों के लिए कुछ फायदेमंद एक प्रोग्राम लेके, मेरी एक सजेशन, यानी फर्ज किया कोई इस तरह का प्रोग्राम लेके आए कि ज्यादातर तलाकें क्यों हो रही होती हैं, पूरा प्रोग्राम होना ही इस पे चाहिए, ज्यादातर औरतों की लड़ाई और मर्दों की लड़ाई किस बात पे होती है, कौन से, ये तो ये अलग अलग टॉपिक बता रहा हूँ, कौन से ऐसे काम करने चाहिए कि लोग सही रास्ते पर चलने लग जाएं, इसमें लोगों का फायदा हो जाएगा। रिलीजन पे तो हम लड़ रहे हैं यहाँ पर, आपस में कोई कंट्री बात कर रहा है, इधर से कोई कंट्री का बंदा बात कर रहा है, तो इधर तो एक अजीब सी ऐसी फाइट जो ना खत्म होने वाली। तो इस प्रोग्राम को थोड़ा इस साइड पे अगर लेके आए तो बहुत से लोग इससे फायदा उठा लेंगे कि अगर कोई बिला वजह लड़ भी रहे हैं ना तो हो सकता है उनकी लड़ाई खत्म हो जाए इस प्रोग्राम की वजह से। फारूक जी, मैं करती तो हूँ इन चीजों पे बात, अब हमने जब हम औरतों के हुकूक के बारे में बात करते हैं तो पाकिस्तानी आगे कहते हैं क्या औरतों को क्या हुकूक चाहिए, सब तो मिल गया है। अभी इंडिया में छेड़ दिया था हुकूक के बारे में, वाइफ बीटिंग पे,
वो जो लड़कियों को बीट कर रहे थे तो सब पीछे पड़ गए, एंटी इंडिया है, एंटी हिंदू है, लाइक यू नो हम करते हैं इन चीजों पे बात। मगर आजकल तो जरा तो थोड़ा गर्मी गर्मी चल रही है, बड़े टॉपिक्स ऐसे ऐसे आ रहे हैं तो मैं उनको कैसे नहीं पेलू, मेरा तो अब ये काम है देखें, पेलना। ये अपने जो मोमिनों के जो क्राउड है इनको जो देखें, ये क्या नाम है इसका, साहिल अलियोची, अलाइची नाम है इसका मेरा ख्याल, मुझे उर्दू में सही पढ़ा नहीं जा रहा क्या लिखा। वो कह रहा है, वो दो जगह वो गाली दे रहा है, रंडी की औलाद कह रहा है और साथ कह रहा है शर्म करो। आमिर ये उसका थोड़ा ऐसे सा है, ऐसा हीट हो चुका है। ये ऐसे है अपनी तलवार निकाल के घुमाने लग जाए और फिर कहे यार शर्म करो, आप मेरी तरफ देख रहे हो, मेरी शल मैं अपनी तलवार को लटका रहा हूँ या घुमा घुमा रहा हूँ, छोटी सी टूथपिक होगी इसकी, इसका साहिल ये रियल मूवी अलोची। यही बनेगी इसकी। हाँ तो ये ऐसे ऐसे पता नहीं क्या इन लोगों के दिमागों पे ये क्या जनरेशन क्रिएट कर दी है। लिटरली वो काम करके, गंदा काम करके कहता है, अगले को शेम करता है कि आप शर्म करें, यानी ऐसे मैं चोरी कर दूं, मैं पकड़ा जाऊं, मैं कहूं शर्म करो तुमने मेरी चोरी करते हुए पकड़ लिया, शर्म करो। आई मीन व्हाट आर दिस पीपल, दे कौन आर लोग? हूमन बीइंग्स। वही तो बात है, देखिए शाहिद जी गाली तो मैं भी नहीं देती थी लास्ट ईयर तक। लास्ट ईयर मेरी ना बस हद हो गई, हदें पार हो गई ना, तो फिर मैं फट गई। अब फट गई, लोगों को पसंद आया, हाय भाई लड़की गाली दे रही है, एकदम से वायरल कर दिया सबने, वो तो मजा मैंने कहा लेते पसंद हैं। आ गया तो बस ना। और कोई है लड़की गाली दे रही होती है ऐसे बैठ के? नहीं ना, कोई नहीं इनको उठा के फाड़ रहा होता है। हमने तो प्रोग्राम करना था आज एक्सप्लॉयटेशन पे, हम तो बात इन चीजों पे कर रहे हैं। एक प्रोग्राम मैंने करना है कि जो सेक्स वर्कर्स होते हैं, जो लड़कियां पॉर्न स्टार होती हैं या जो लड़कियां प्रोस्टिट्यूट होती हैं, उनको क्यों इतनी बुरी नजर से देखा जाता है, उस पर भी हम बात करेंगे। मगर आजकल कुछ लोग हैं, भड्डा चल रहा है हम लोगों का, तो उनके साथ ना हम भक्तों से या रिलीजियस फनेटिक से, पहले मोमिनों से चलता था, आजकल इनसे चल रहा है, वो चलती रहती है भड्डे वगैरह। तो हम ये नहीं है कि हम इन चीजों पर बात नहीं करते हैं, ऑब्वियसली वी आर हेयर टू मेक अ डिफरेंस। लोग सुन रहे हैं हम लोगों को और लोग चेंज भी हो रहे हैं। मुझे बहुत सारी लड़कियों के मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे लड़कों के भी मैसेजेस आते हैं कि आप हम आपको सुन के हमारे माइंड चेंज हो रहा है। हमारा गोल ये है कि हम माइंड चेंज करें लोगों के। हम ये नहीं चाहते कि आप लोग सब लोग रिलीजन छोड़ के बैठ जाओ, मैं तो नहीं चाहती ये चीज, मगर आप मैं इस चाहता हूँ, रिलीजन के मैं नाम चाहता पे, हूँ। हाँ वो हर चाहता होगा, मगर मेरा ये है कि आप जो है अपने रिलीजन के नाम पे किसी को जाके मारो नहीं या तकलीफ नहीं दो अपने रिलीजन के उसके उस पे, ठीक है ना। बाकी आप अपने किसी की भी चीज की पूजा करो, सेंटा क्लॉज को पूजो, आई डोंट केयर, राइट। शाह साहब कुछ मगर कहना चाह हाँ जी बोलिए रहे, जिसका जो भी ईमान है उस पे कायम रहना चाहिए उसको। शाहिद शाहिद भाई को कुछ कहना चाहिए। जी शाहिद भाई, ठीक है। अमित से बात ये है कि आप प्रोग्राम तो शुरू करती हैं लेडीज पर, औरतों पर, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो कि जब मैं पहले आपके साथ मेरी स्ट्रीम में बात हो रही थी, मुझे पाकिस्तानी होने की वजह से नीचे बहुत कुछ लिखा जा रहा था, कहा जो वो नीचे एक लहदे जंग चल रही है, वो बात मेरी और आपकी हो रही है, तो वो नीचे बैठे हैं मुसलमान भी बैठे हैं, हिंदू भी बैठे हैं, वो है वही ना 3 च ना 13 च, वो एक दूसरे को शुरू हो जाते बॉर्डर हैं। पे वॉर हो रही होती है। वो प्रोग्राम कुछ मैटर कुछ था, बात लेडीज की करनी थी, वो घुमा कर वो इधर आ जाते हैं हमारे, जो अब लफ्ज मैं याद कर लूं जो जिससे मेरी भी पकड़ना हो कहीं। कोई बात नहीं, मेरे इस पे चलता है, मेरे तो नहीं यहाँ नहीं पे आपका चलता तो चलता है ना, आप तो कनाडा में है, मैं पाकिस्तान में हूं ना। है। अच्छा हाँ, वो हाँ अच्छा, और मुझे एक बात याद आ गई, जो मैं मिस मेहरबानी गाली फरमाए, आप जब दोबारा कोई प्रोग्राम दोबारा यूट्यूब पर फेंकती हैं तो बराए मेहरबानी मेरे नाम के आगे वो जो आपने मोमन लगाया हुआ है ना उसको उतारें, तो आप शुक्रिया, मोमिन बड़ी बनाया ना, आप मेहरबानी। मोमिन नहीं है क्या? आप तो एक फॉलोअर है ना, तो उसमें क्या बड़ी नहीं बात है? नहीं नहीं है आप मोमिन, फिर नहीं नहीं क्या है फिर मैं आप? मोमिन नहीं, मैं मैं चाहता मुसलमान, हूँ, अच्छा मैं छोटा मुसलमान सा चाचा मोमिन शायद की वीडियो मुसलमान, वायरल हो चुकी है। पता मुसलमान है मोमिन मुझे होता यार, है। मैं अच्छा खप गया हूँ इधर पाकिस्तान में, इसीलिए तो रिक्वेस्ट की है मेरे। देखिए शाहिद जी खपेंगे तो आप जरूर, क्योंकि आप आ रहे हो हमारी मेहरबानी स्ट्रीम पे, जो मुसलमान हमारी स्ट्रीम पे आता फरमाए। है उस, अब आप खुद ही देख लें हाँ मेरी कि वजह की आपके खुद टीआर के की है। मुसलमान आप लोगों को नहीं छोड़ते हैं। नहीं, मगर बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर यहाँ पर आप आ रहे हैं हमसे बात करने, तो लोगों को देखो कि वो आप लोगों को नहीं छोड़ रहे, आपके अपने भाई बंधु, यू नो। अब ये बताओ, अच्छा हारे सब क्या होगा? देखो ये लोग अभी तक जिहादी हैं, मुसलमानों के साथ कितने अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, देखना अब ये भी बनेगा क्लिप। तो ठीक है, मेरा इसमें उनको उनकी हाँ खैर, मेरा वो मेरा पता मेरी मेरा आपसे जो कनेक्ट था ना, इसी इसीलिए था कि
बात करें, गुफ्तगु करें, आमने सामने जितनी मर्जी करें, अपने पॉइंट रखें, अपनी सुनाए अगले की सुने। क्यों ये जो गालियां है या मतलब जो मर्जी लिख देना, शाहिद साहब मेरी नहीं समझ में आता। चले शाहिद साहब ठहरे जरा एक सेकंड, मालिक लेट मी गिव यू अनदर आंसर। आपने आपने मेरी कितनी वीडियोस देखी, वो आपने जब कहा कि मैं गालियां देता हूँ, वो मुझे अंदाजा हो गया कि आपने मेरी ज्यादा वीडियोस नहीं देखी। आपने पता नहीं खालिब का नाम भी सुना या नहीं सुना, ये हालांकि बड़ा क्लोज ग्रुप है ये हमारा। आप महलीज की हर स्ट्रीम में बैठे होते हैं, अगर आपको गालियां इतनी बुरी लगती हैं, आप मजे लेने क्यों आते हैं? ओ भाई यार, मैं मना करने आता हूं। ओ मैं इनको मना करने आता हूं। ये वही हो गया। मैं इनको मना करने आता हूं। वो एक लतीफा याद आ गया। एक सेकंड लतीफा याद आ गया यार। महलीज साहब मुझे, मैंने बात यहां से शुरू की है। लतीफा याद आ गया मुझे, लतीफा याद आ गया। मैंने इनको गालियां निकाले। अच्छा 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 मुझे लतीफा याद आ गया। एक बड़ा मजे का वो एक ये यार, एक सेकंड यार फारूक यार, अभी मैंने कहा एक सेकंड यार ठहर जाओ, मुझे लतीफा याद आ गया, निकल जाएगा सबको मजा आएगा लतीफे का। वो एक बाबा जी थे, वो कहते हैं हमारे बाबा जी इतने गैरतमंद, लोगों को दर्श देते, इतने शरीफ थे, वो बड़े अच्छे, हर एक को ना अच्छी शर्मो हया का दर्श देते। एक दफा उनके सामने से एक लड़की गुजरी नंगे सर, उन्होंने धोती अपनी उतार के उसके सर पे डाल दी और उसका सर कवर कर दिया, लेकिन खुद नीचे से नंगे हो गए। तो ये आप शाहिद भाई, आप आते हैं मालिज को नसीहत देने हैं, आप हम जैसे मुल्हिदों को जो हम इतना बड़ा कुफर फैला रहे हैं, आपने कभी हमें नसीहत के लिए नहीं है। आप ऐसे छोड़ दें, आप इंजॉय कर रहे होते हैं, छोड़ दे हर बंदे। यार भाई जान अपनी स्ट्रीम शुरू करो, मैं उधर भी आ जाऊंगा, मुझे कोई मसला नहीं होता भाई जी, मैं आ जाता हूँ। मेरे मोबाइल में नहीं, हम तीन सालों से काम करते हैं, करते हैं, पता है। ओ भाई जी मुझे, मैं करता हूँ, मुझे पता है आप करते हैं, लेकिन इत्तेफाक से जब आप कर रहे हैं तो वो मुझे नहीं, आपका कोई क्लिप नहीं मिला, यहाँ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे क्लिप अपना भेज दें। मैं आपके घर आके सर, मैं आपको बिल्कुल डाक के जरिए भेजूंगा आपको लिंक अपना, आप व्हाट्सएप पे। नहीं यार, ओ भाई, ओ भैया तेरी मेहरबानी, तू मेनू वैसे ही मेरे व्हाट्सएप पे ले ली, मैनू पता लग जाएगा। अच्छा ठीक है।